हे, क्या सोच रहे हो इतना? क्यों परेशान हो ऐसे? देखो, बात क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी बात चाहे जो भी हो, वो पास्ट है या फ्यूचर किसी में भी हो, यूँ रातों को देर तक जागने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे तुम्हारी हेल्थ तो खराब होगी ही, ऊपर से मन ही मन खुद को गलत सलत कहकर तुम ही नेगेटिविटी से भर जाते हो। फिर कहीं कुछ नज़र नहीं आता तो खुद में ही होपलेस एंड वर्थलेस फील करने लग जाते हो, है ना? इसलिए पहले ना, बात को सोच सोच कर ज़्यादा बढ़ाओ मत, जो है भी नहीं। दूसरा, ये कहने की बजाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, एक्सेप्ट करो। क्योंकि जिंदगी के भी एक लेवल होता है, हम अगर लेवल 1 क्रॉस नहीं करेंगे तो लेवल 2 पे कैसे जाएंगे? मतलब पहले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन पे कैसे जाएंगे? हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यही हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए डर हम पे हावी हो जाता है कि हमें हर एक चीज़ में नेगेटिव ही दिखाई देती है। पर तुम्हें यही समझना होगा कि ये ज़िंदगी है और ये तुम्हें हर एक मोड़ पे चैलेंज करेगी। बस तुम्हें चैलेंज को कैसे लेना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे एक प्रॉब्लम की तरह लेते हो या बिना डरे एक वॉरियर की तरह लेते हो। देखो, जो होना था सो हुआ और जो होने वाला है वो होगा, लेकिन अभी तुम क्या कर सकते हो, इस सल्यूशन पर फोकस करो। और फिर भी कुछ समझ नहीं आया ना तो वक्त दो, चीज़ों को एनालाइज करो और पेशेंस रखो, सब सही होगा, ट्रस्ट मी। जब आज तक लाइफ के सारे चैलेंजेस से खुद ही फाइट बैक किए हो तो फिर ये क्यों नहीं? तुम ही सोचो, क्या तुम इतना कमज़ोर हो कि एक छोटी सी बात ने तुम्हारे अंदर बवाल मचा रखा है? इससे अच्छा यही है कि बात तुम पर नहीं, तुम बातों पर हावी हो जाओ। क्योंकि कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि तुमसे तुम्हारी मेंटल पीस छीन ले। वैसे भी ओवर थिंकिंग करके आज तक किसको क्या हासिल हुआ है? बस एक स्ट्रेस ही ओवर थिंकिंग की फ्री गिफ्ट है। ऊपर से ओवर थिंकिंग मत करो ये कहने से भी कहाँ कुछ बदला है। लोग तो आज भी है ना डिप्रेशन और एनजाइटी के शिकार, फिर क्यों इतना खुद को सताना? तुम्हें पता है मैं क्या करती हूँ? जब मैं ऐसा फील करती हूँ ना, मैं अपनी ब्लेसिंग्स गिनने लग जाती हूँ, खुद को चैलेंज करती हूँ और कहती हूँ दैट आई एम ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन माई लाइफ। फिर ये चैलेंज क्या चीज़ है जो हमसे पार ना हो पाएगा? बस उसी वक्त मेरा डर गायब हो जाता है और मेरी ताकत बन जाती है। और याद रखना, लाइफ में जो भी चैलेंजेस मिलती है ना, वो तुम्हारी कमजोरी बताने नहीं, ताकत बताने आती है। पर शर्त है तुम उसे प्रॉब्लम ना समझकर एक चैलेंज की तरह समझो। क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं जब है, जब हमें वो एक प्रॉब्लम की तरह नज़र आती है। इसीलिए जब ऐसा फील हो ना, तब खुद से कहना कि कोई भी बात तुमसे बड़ी नहीं है, तुम स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, हरा नहीं सकता। यू शुड रिमेंबर दिस, प्रॉब्लम समझोगे तो डरते रहोगे। सो टेक इट एज अ चैलेंज, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, बी फियरलेस एंड फाइट लाइक अ वॉरियर।